नमस्कार। आज हम बात करेंगे वंश विलोपन योग या एक्सटेंशन ऑफ फैमिली योग। ये एक ऐसा योग है जिसमें या तो नेटिव की मैरिज नहीं होती, और यदि मैरिज हो जाती है तो उसके पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, जिससे कि उसकी उसका परिवार आगे चलता नहीं है। इसलिए इसे एक्सटेंशन ऑफ फैमिली या वंश विलोपन योग कहते हैं। तो वंश विलोपन योग कॉम्बिनेशन है नो मैरिज प्लस नो सन। डॉटर हो सकती है मगर सन बॉर्न नहीं होगा, पुत्र प्राप्ति नहीं होगी, जो कि परिवार को आगे चलाने के लिए इंडियन सोसाइटी में हम जरूरी मानते हैं। अब इसके कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये कर्क लग्न की या कैंसर लग्न की कुंडली है। यदि किसी भी नेटिव के चार्ट के अंदर, होरोस्कोप के अंदर हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 8 एंड हाउस नंबर 12 में यदि मैलिफिक या अशुभ प्लेनेट हो तो उसका वंश विलोपन होने की संभावना रहती है। मैलिफिक प्लेनेट मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो होते हैं आपके सन, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु। तो 1, 5, 8 और 12वें घर के अंदर मैलिफिक प्लेनेट हो तो नेटिव की मैरिज भी नहीं होगी, और मैरिज हो गई तो पुत्र प्राप्ति नहीं होती। दूसरा वंश विलोपन योग आता है यदि 5th हाउस के अंदर वीक मून हो। 5th हाउस ये है, यहाँ पर यदि कमजोर चंद्रमा है, मून आ गया यहाँ पर वीक, सन के पास होता है तो वीक हो जाता है। और 1, 8 और 12वें हाउस में, पहले घर में, 8वें घर में और 12वें घर में यदि अशुभ या मैलिफिक प्लेनेट हो तो उस नेटिव की मैरिज की संभावना नहीं के बराबर होती है। अब मैरिज नहीं होगी तो पुत्र प्राप्ति की भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये नो मैरिज योग भी बनता है। तो 5th हाउस में वीक मून, 1, 8 और 12वें घर के अंदर मैलिफिक अशुभ प्लेनेट हो, मार्स, सन, राहु, केतु और सैटर्न हो, तो भी नो मैरिज नो सन योग बनता है। नेक्स्ट योग की बात करते हैं, मैलिफिक इन 4th हाउस। ये 4th हाउस है, यहाँ पर आपका कोई सा भी मैलिफिक प्लेनेट, अशुभ प्लेनेट आ जाए, वीनस शुक्र 7th हाउस में हो, यहाँ पर वीनस प्लेस हो इसी जगह पर, एंड 10th हाउस के अंदर मून हो, यहाँ पर मून प्लेस्ड हो। 4th हाउस के अंदर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, वे मार्स, सैटर्न, सन, राहु, केतु, इनमें से कोई भी प्लेनेट प्लेस्ड हो। 7th हाउस के अंदर वीनस और 10th हाउस के अंदर मून प्लेस्ड हो तो ऐसे भी नेटिव का वंश विलोपन होने की संभावना रहती है, एक्सटेंशन ऑफ फैमिली होने की संभावना रहती है। लास्ट योग बताता हूं मैं, जो कि एक्सटेंशन ऑफ फैमिली या वंश विलोपन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। 4th हाउस में फिर से कोई भी मैलिफिक प्लेनेट आ जाए, जुपिटर या बृहस्पति 5th हाउस में हो, यहां पर जुपिटर प्लेस्ड हो। 7th हाउस में मरकरी और वीनस का कंजक्शन या युति हो, मरकरी बुध और वीनस या 7th हाउस में आ जाए। तो 4th हाउस में कोई भी मैलिफिक, यहां पर एनी मैलिफिक, 5th हाउस के अंदर जुपिटर और 7th हाउस के अंदर मरकरी और वीनस की युति या कंजक्शन हो तो ऐसे भी नेटिव की फैमिली आगे नहीं चलती, और उसकी या तो मैरिज नहीं होगी, मैरिज होगी तो उसको पुत्र या सन की प्राप्ति नहीं होगी। तो दिस इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ फैमिली और वंश विलोपन योग होता है। वंश विलोपन योग में दोनों ही संभावना होती है, यदि मैरिज हो जाएगी तो पुत्र प्राप्ति होने में डिफिकल्टी होगी। धन्यवाद।